प्रश्न 23, वह कौन ज्ञात करें जो अपने आप का पूरक है? प्रश्न 23 में क्या कह रहा है? वह कौन ज्ञात करें जो अपने आप का पूरक है? तो लिखेंगे माना कि वह कौन सा कौन ज्ञात करना है, वह कौन ज्ञात करना है, तो माना कि वह कौन एक्स है, हम क्या मान लेंगे कि माना कि वह कौन एक्स है, जो अपने आप का पूरक है वह कौन क्या है, एक्स है, यह हम मान लेंगे। तो अतः एक्स का पूरक कौन, एक्स का पूरक कौन बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एक्स हो जाएगा। पूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री, ठीक है? तो एक्स का पूरक कोण क्या होगा, 90 डिग्री माइनस एक्स, क्योंकि 90 डिग्री होता है, पूरक कोण में दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो एक्स का पूरक कोण क्या होगा, 90 डिग्री माइनस एक्स, यानी 90 डिग्री में से एक्स घटा देंगे तो एक्स का पूरक कोण हो जाएगा। तो एक्स का पूरक कोण लिख लेंगे 90 डिग्री माइनस एक्स। अब लिखेंगे प्रश्न से तो प्रश्न से क्या कह रहा है कि वह कोण ज्ञात करें जो अपने आप का पूरक है, यानी प्रश्न से हो जाएगा एक्स बराबर 90 डिग्री माइनस एक्स। बराबर कह रहा है कि वह कोण जो है अपने आप का पूरक है, यानी वह कोण और उसका पूरक दोनों बराबर है, तो x बराबर 90 डिग्री माइनस एक्स लिख लेंगे, ठीक है? तो हो जाएगा, अब माइनस एक्स है दायां तरफ, बराबर के दायां तरफ माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स को बायां तरफ लाएंगे तो x प्लस एक्स हो जाएगा बराबर 90 डिग्री। तो x प्लस एक्स कितना होगा, 2x बराबर 90 डिग्री, तो x बराबर, अतः x बराबर हो जाएगा 90 डिग्री बटा 2, x 2 के साथ गुना में है बराबर के बायां तरफ, तो 2 को दायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री, 90 डिग्री को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो इसका उत्तर आ चुका है 45 डिग्री। तो वह कोण को हम एक्स माने थे तो एक्स बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री जो है अपने आप का पूरक है, क्योंकि 45 डिग्री को 90 डिग्री में से घटाएंगे तो 45 डिग्री ही आएगा, ठीक है? तो 45 डिग्री जो है अपने आप का ही पूरक है, क्योंकि 45 जोड़ 45 क्या होता है, 90, तो 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 45 डिग्री, 90 में से 45 डिग्री घटाने पे। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। तो एक्स बराबर देखिए कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया है, तो एक्स के जगह पे अगर 45 डिग्री रखेंगे तो 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री का पूरक कोण भी 45 डिग्री ही होगा। तो वह कोण जो अपने आप का पूरक है वह कौन है, वह है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का कोण अपने आप का पूरक है। प्रश्न 24, वह कोण ज्ञात करें जो अपने आप का संपूरक है। तो क्या कह रहा है, वह कोण ज्ञात करें जो अपने आप का संपूरक है, तो लिखेंगे माना कि वह कोण एक्स है, हम क्या मान लेंगे कि वह कोण एक्स है, जो अपने आप का संपूरक है वह कोण एक्स है। तो एक्स का संपूरक तो हम लिखेंगे एक्स का, तो एक्स का संपूरक क्या हो जाएगा,
एक्स का संपूरक बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स। तो कह रहा है कि वह कोण ज्ञात करें जो अपने आप का संपूरक है। तो वह कोण को एक्स मान लेंगे तो एक्स का संपूरक हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स। संपूरक में दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो जब कोण एक्स है तो उसका संपूरक 180 डिग्री में से एक्स को घटा देंगे तो एक्स का संपूरक निकल जाएगा। ठीक है, तो संपूरक हम कैसे निकालते हैं 180 डिग्री में से घटा करके, क्योंकि संपूरक में दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से तो प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है वह कोण ज्ञात करें जो अपने आप का संपूरक है। तो प्रश्न से कह रहा है कि अपने आप का संपूरक है यानी उसका संपूरक और वह कोण दोनों बराबर है। तो x बराबर 180 डिग्री माइनस x लिख लेंगे क्योंकि जो कोण है वह अपने आप का ही संपूरक है। तो दोनों बराबर होगा वह कोण और उसका संपूरक, इसलिए देखिए प्रश्न से हम इस तरह लिख लेंगे x बराबर 180 डिग्री माइनस x। अब इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पे बराबर के दायां तरफ x माइनस में है तो माइनस x को इधर लाएंगे बराबर के बायां तरफ तो x प्लस x हो जाएगा बराबर 180 डिग्री लिख लेंगे तो x प्लस x कितना हो जाएगा 2x। तो 2x बराबर 180 डिग्री तो x बराबर कितना हो जाएगा, आता है x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटा 2। तो बराबर के बायां तरफ x के साथ 2 गुना में है तो 2 को दायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। अब इसको गुना कर ये भाग दे देंगे तो 180 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो वह कोण को हम x माने थे तो x बराबर कितना आ गया 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का जो कोण है वह अपने आप का ही संपूरक है क्योंकि 180 डिग्री में से 90 डिग्री घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का संपूरक क्या होगा 90 डिग्री होगा, यानी 90 डिग्री अपने आप का ही संपूरक है। 90 डिग्री का कोण अपने आप का ही संपूरक है क्योंकि 90 डिग्री जोड़ 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री होता है। तो देखिए x बराबर कितना आ गया 90 डिग्री तो x का संपूरक यानी 90 डिग्री का संपूरक क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अपने आप का ही संपूरक है। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 25 वह कोण ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण का दुगना है। तो प्रश्न 25 में क्या कह रहा है, वह कोण ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण का दुगना है। तो लिखेंगे माना कि वह कोण एक्स है। वह कोण को हम एक्स मान लेंगे, माना कि वह कोण एक्स है। माना कि वह कोण एक्स है, अतः एक्स का संपूरक कोण क्या हो जाएगा, माफ कीजिए एक्स का पूरक कोण क्या हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः एक्स का पूरक कोण बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एक्स। तो पूरक कोण में दो कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। तो जब कोण x है तो उसका पूरक कोण क्या होगा 90 डिग्री में से घटा देंगे क्योंकि पूरक कोण में दो कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। तो पहले हम उस कोण को x मान लेंगे तो x का पूरक कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x। अब लिखेंगे प्रश्न से तो प्रश्न से क्या कह रहा है,
वह कोण ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण का दुगुना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम बराबर कर लेते हैं, ये तो हो गया अपने पूरक कोण का बराबर, लेकिन कह रहा है वह कोण ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण का दुगुना है। तो देखिए एक्स का पूरक कोण क्या है, 90 डिग्री माइनस एक्स, तो दुगुना कर देंगे यानी दो से इसको गुना कर देंगे, तो अब हम इसको हल कर सकते हैं। तो कह रहा है वह कोण ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण का दुगुना है। देखिए वह कोण तो एक्स है और एक्स का पूरक कोण हो गया 90 डिग्री माइनस एक्स, लेकिन पूरक कोण का दुगुना कह रहा है यानी दो से गुना कर देंगे, ठीक है, उसका पूरक कोण को दो से गुना कर देंगे तब जाके बराबर होगा। तो एक्स बराबर लिख लेंगे 2 गुना 90 डिग्री माइनस एक्स। अब इसको हल करेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा 90 डिग्री गुना 2, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए दो से गुना करना है दोनों को, 90 डिग्री गुना 2 हो गया 180 डिग्री, माइनस 2 गुना x 2x, इस तरह लिख लेंगे। अब बराबर के दायां तरफ 2x माइनस में है, तो माइनस 2x को इधर लाएंगे दायां, ये बायां तरफ, तो प्लस में हो जाएगा यानी x प्लस 2x हो जाएगा बराबर 180 डिग्री, इस तरह लिख लेंगे। तो x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x, 3x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो x बराबर, अतः x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2x प्लस x हो जाएगा 3x, तो x बराबर हो जाएगा 3, यहाँ पे गुना में है बराबर के बायां तरफ, तो इसको दायां तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा यानी 180 डिग्री बटा 3 यानी कितना आ गया 60 डिग्री। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है। तो वह कोण को हम x माने थे, तो x बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का कोण जो है अपने पूरक कोण का दुगुना है। देखिए 60 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का पूरक कोण 30 डिग्री होगा, क्योंकि पूरक कोण में दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री का पूरक कोण 90 में से 60 घटा देंगे यानी 30 डिग्री आएगा। तो 30 का दुगुना 60 है यानी 60 डिग्री जो है अपने पूरक कोण का दुगुना है। देखिए 60 डिग्री का पूरक कोण होगा 30 डिग्री, क्योंकि 60 30 90 होता है, तो 30 का दुगुना 60 है यानी 60 डिग्री अपने पूरक कोण का दुगुना है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 26, वह कोण ज्ञात करें जो अपने संपूरक कोण का तिगुना है। तो लिखेंगे माना कि वह कोण ज्ञात करना है, तो वह कोण को हम x मान लेंगे। माना कि वह कोण x है, तो वह कोण ज्ञात करें जो अपने संपूरक कोण का तिगुना है। तो वह कोण को x मान लेंगे। तो वह कोण ज्ञात करें जो अपने संपूरक कोण का तिगुना है, तो वह कोण को x मान लेंगे। तो x का संपूरक कोण क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे आता है x का संपूरक कोण बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x, संपूरक में 180 डिग्री से घटाएंगे, क्योंकि संपूरक में क्या होता है, संपूरक में दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर एक कोण x है तो x का संपूरक कोण हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x, ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। अब लिखेंगे प्रश्न से क्या कह रहा है कि वह कोण ज्ञात करें जो अपने संपूरक कोण का तिगुना है। तो देखिए अपने संपूरक कोण का तिगुना है, तो x का संपूरक क्या कोण क्या है, 180 डिग्री माइनस x,
संपूरक में दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो x का संपूरक कोण क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस x। अब कह रहा है कि वह कोण ज्ञात करें जो अपने संपूरक कोण का तिगुना है, यानी इसको तीन से गुना कर देंगे। तो जो कोण है वो अपने संपूरक का, तो देखिए x जो है, x का संपूरक क्या है, 180 डिग्री माइनस x, तो संपूरक का तिगुना यानी तीन से गुना कर देंगे संपूरक कोण को। तो x का संपूरक है 180 डिग्री माइनस x, लेकिन तिगुना है अपने संपूरक का, तो तीन से गुना कर देंगे इसको। अब इसको हल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा, तीन से गुना करेंगे 180 डिग्री को, तीन से गुना करेंगे तो 18 × 54 यानी 540 डिग्री माइनस तीन गुना एक्स, तीन एक्स, तो x बराबर कितना आ गया 540 डिग्री माइनस तीन एक्स। अब बराबर के दायां तरफ तीन एक्स क्या है, माइनस में है, तो माइनस तीन एक्स को बायां तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, x प्लस तीन एक्स हो जाएगा बराबर 540 डिग्री। तीन एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 4x, 4x बराबर हो जाएगा 540 डिग्री। तो x बराबर 540 डिग्री बटा 4 हो जाएगा। देखिए x प्लस 3x बराबर 540 डिग्री, तो 3x प्लस x कितना हो जाएगा, 4x, तो 4x बराबर 540 डिग्री। अब 4x के साथ गुना में है, तो 4 को जब बायां से दायां तरफ लाएंगे तो भाग में हो जाएगा। अब 540 डिग्री को 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 गुना 1 4, 1 इधर गया तो 14 हो गया, 4 3 12, 2 इधर गया 20 हो गया, 4 5 20 यानी 135 डिग्री। तो 135 डिग्री जो है अपने संपूरक कोण का तिगुना है। कैसे, तो देखिए इसको भी हम समझा देते हैं। तो 135 डिग्री का संपूरक कोण क्या हो जाएगा, 180 डिग्री में से 135 डिग्री को घटा देंगे तो संपूरक कोण निकल जाएगा। तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, देखिए कितना आया, 45 डिग्री आया। तो 135 डिग्री जो है, 135 डिग्री का संपूरक कोण कितना आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, 135 डिग्री का संपूरक कोण क्या आ गया, 45 डिग्री। और 45 तिया, देखिए 45 में तीन गुना करने पे आता है 135 डिग्री। ठीक है, तो 135 डिग्री अपने संपूरक का तिगुना है, 45 डिग्री का तिगुना है 135 डिग्री, यानी 45 डिग्री में तीन गुना करने पे आता है 135 डिग्री। ठीक है, तो 135 डिग्री का कोण जो है अपने संपूरक का तिगुना है, यानी 135 डिग्री का संपूरक कोण हुआ 45 डिग्री, और 45 में तीन गुना करने पे 135 डिग्री आता है, 45 दिया 135, तो इसका उत्तर हो जाएगा 135 डिग्री। तो वह कोण को हम x माने थे, तो x बराबर कितना आ गया, 135 डिग्री। तो 135 डिग्री अपने संपूरक का तिगुना है। तो इस तरह से प्रश्न 26 हल करेंगे।